अगर आप हेयर पैच लगवाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा? हाँ जी दोस्तों, कितना खर्चा आने वाला है आपके हेयर पैच पे, तो इसी की जानकारी दूंगा मैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजय गोयल हेयर स्टूडियो क्लिनिक से, और स्वागत करता हूँ आपके आपका इस हेयर क्लिनिक में। और आज आपको बता रहा हूँ कि कितना खर्चा आएगा अगर आप हेयर पैच लगवाएंगे ओरिजिनल वाला। तो आपको हेयर पैच के बजट के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। वैसे तो बेसिकली 6,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और 6 से 8,000 तक आपका मोनोफिलामेंट का हेयर पैच होता है। और अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप मिराज का हेयर पैच भी ले सकते हैं, BMW भी सिल्क आता है, बेसिकली सिल्क भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बेस्ट अगर आपका बजट थोड़ा सा और अच्छा है तो आप मिराज हेयर पैच भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल, वो 18 से 22 हज़ार के बीच में आता है। 100% जो ओरिजिनल हेयर पैच होता है मिराज का, वो 18 से 22 के बीच में आता है। उसका लुक एकदम जेन्युइन आता है, और आपका स्किन रिफ्लेक्शन भी दिखेगा। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वही वाला पैच हेयर पैच यूज़ करते हैं, वो उसको हम लोग सेलिब्रिटी पैच भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हेयर पैच लगाने के बाद जो मंथली खर्चा आता है वो क्या आता है? तो जो हेयर पैच होता है उसमें आप बेसिकली नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो आपके बालों को सिल्की कर सके। मैं तो डव रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि डव से हेयर बहुत सिल्की हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो हफ्ते में आपको 2 बार शैम्पू करना है, और साथ में करना है आपको कंडीशनर। अगर कभी आपके हेयर थोड़े से रफ हो रहे हैं तो आप कंडीशनर भी यूज़ कर लीजिए। और सीरम आपको डेली लगाना है, कोई भी मार्केट में अच्छा सा सीरम आता है उसको 2 या 3 ड्रॉप लेके आप लगाएं, तो आपके बाल पूरे दूसरी के बने रहेंगे। तो यही खर्चा आता है, एक तो सीरम और आपका कंडीशनर, और आपका सीरम कंडीशनर और शैम्पू। तो जो आपका खर्चा आता है बेसिकली सीरम शैम्पू और कंडीशनर का आता है, ये आपको आपको घर पे यूज़ करना है और आपका लुक बहुत अच्छा बना रहेगा। और इसका मंथली चार्जेस जो होता है, हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं रिन्यू सर्विस के लिए, उसको निकाल के हम क्लीन करके दोबारा से उसको पेस्ट कर देते हैं, तो जो पेस्टिंग का खर्चा आता है वो आता है 500 से लेके 800 तक। अगर आप कलर कराएंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, बट 500 से 800 तक आपको पर मंथ खर्च करना पड़ेगा, तभी आपका हेयर लुक मेंटेन रहेगा और आपका लुक भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हमने बताया जैसे कि आपका बजट के अकॉर्डिंग है, अगर आपका बजट अच्छा है तो अच्छा हेयर पैच यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका नॉर्मल बजट है तो नॉर्मल पैच यूज़ कर सकते हैं। लुक आपका सभी पैचों में बहुत अच्छा आता है, और वो डिपेंड करता है आप कितना बजट खर्च करना चाहते हैं और कितना अच्छा लुक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आप लोगों को जानकारी? और वैसे मैं आपको बता दूं, पर्सनालिटी आपकी अगर डेवलप होनी है तो खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको बजट बताया, और ये बजट अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे खर्च कर रहे हैं तो आपका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आपका अगर कोई भी एक फंक्शन अटेंड किया या कहीं पे भी किसी ने आपके पर्सनालिटी को अच्छा बोल दिया तो आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे, कोई पैसे बेकार नहीं जाते इसमें, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? और मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।